नाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन आपका कंपाउंड्स में फिर आता है आपका मीथेन। मीथेन अगर आप देखेंगे अपन फर्स्ट मेंबर ऑफ अपन एल्केन ग्रुप आगे जाके पढ़ेंगे आप, लेकिन बाई दी में किसी ने पूछ दिया तो CH4 बनाओ। इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर बताऊंगा आपका CnH2n+2 होता है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है। ये आगे जाकर के आप आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ेंगे, आइसोमर्स वगैरह वहां आपका काम आएगा। बाय अब इसका मतलब अगर आप देखो मीथेन गैस अपन इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अपन कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन आपका नाम देखो दिस ना ये आपका फोर्थ ए या आपके जमाने में इसको 14A का आपका मेंबर कहते हैं और ये आपका नाम देखो फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। क्लियर हो गया? इसका कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर आपका नाम अभी आपने जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 तो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करेंगे तो ना 2 and 4 दिस इज के और ये आपका एरर शेल हो गया। तो कई बुक वाले इसको K2 लिखते हैं और आपका नाम L4 लिखते हैं, ऐसे करें नो प्रॉब्लम, कैसे भी करें हमने तो समझाना। एंड हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो 1 होता है। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आपका नाम देखो 1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रेस से आपका बाहर है क्योंकि ऑक्टेट बनाने के लिए आपका नाम और डुप्लेट बनाने के लिए हीलियम की कैटेगरी में आने के लिए आपका 2 चाहिए प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट और हीलियम से नीचे के जितने हैं आपका नियॉन रेडॉन आपका नाम उनमें आपका 8 होना चाहिए। बहरहाल जो 8th ए ग्रुप और 0 ग्रुप है आपका नाम उसमें आपके क्या होना चाहिए नोबल गैस है, नोबल गैस में आपका ऑक्टेट बनना चाहिए या आपका डुप्लेट बनना चाहिए। सो ना ये आपका क्लियर होगा। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज आपका नाम देखो दिस 2 and 4 व्हाइल द एटॉमिक नंबर ऑफ आपका नाम देखो दिस द हाइड्रोजन इज 1 इट मींस कार्बन ये हो गया क्लियर हो गया नाउ अब आपका नाम देखो ये दोनों को आपने कर दिया दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने कर दिया देखो इसका मतलब कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट लोमो जहां जहां मैंने लिखा होगा हर वीडियो में दैट इज द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट या लास्ट आउटर मोस्ट सेल हो गया आपका नाम देखो दस क्लियर होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आपका नाम लास्ट ईयर यानी कि आप इसको इन द आपका नाम देखो ये वैलेंस सेल भी आप लिख सकते हैं इसको ये आपका नाम दिस इज अ वैलेंस सेल आपका नाम एंड इट नीड्स इसको कितनी जरूरत है आपका नाम 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है आपका टू कंप्लीट द ऑक्टेट लास्ट आउटर मोस्ट में इनर्ट गैस कैटेगरी में आने के लिए आप बना देते हैं ठीक है ना भाई एक्वायरिंग आप बना देते हैं द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस आइडियल गैस अनरिएक्टिव गैस आपका नाम दो इनर्ट गैस आपका हो गया ठीक है ना या नियरेस्ट नोबल गैस या नियरेस्ट भी लिख सकते हैं इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस या नियरेस्ट नोबल गैस भी आपका लिख सकते हैं। व्हाई जबकि हाइड्रोजन भी चाहेगा अब ऑक्टेट तो बना नहीं सकता लेकिन हीलियम के बगल में खड़ा होने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है तो जिससे आपका डुप्लेट बना देगा आपका नाम ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इसके वैलेंस शेल में आपका 1 है आपका नाम देखो दिस एंड इट नीड इसको क्या जरूरत है नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन
इसको भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ वन प्लस वन हो जाएगा आपका नाम देखो टू कंप्लीट द डुप्लेट यानी कि दो जो हीलियम वाली आपकी सीरीज आपका नाम देखो ठीक है ना बाय बाकी तो सेम लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं बाय एक्वायरिंग द स्टेबल यही आपका देखो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस इनर्ट गैस नोबल गैस अनरिएक्टिव गैस सब एक ही चीज है आपका नाम देखो अब आपका नाम देखो देखो तो कई किताब वालों ने क्या किया यहां केमिकल बॉन्डिंग तो कोवेलेंट भी आपका CH4 दिखा दिया लेकिन उन्होंने क्या कर दिया जो NH3 अमोनिया का दे दिया तो हम अमोनिया का नहीं देंगे हम इसी मीथेन का देंगे आपका नाम ठीक है ना तो अब आप करो ये आपका कार्बन होगा सर यानी कि कार्बन जब आपका नाम देखो देश ये दो मॉलिक्यूल अब हाइड्रोजन यानी कि 2 to the 4 आपका नाम देखो तो ये आपका इससे गॉट हो आपका कायदे से CH4 बना सिंपल लैंग्वेज आप यहां पे कोई जरूरी नहीं यहां पे 4 कर सकते हैं यहां पे 4 कर सकते हैं चलिए इसका मतलब एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत है या 4 हाइड्रोजन को एक कार्बन की जरूरत है ठीक हो गया सर तो ना देखो दिस इज ये कार्बन है कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन एक देखो वन आपका देखो एक हाइड्रोजन ये वन देखो आपका एक हाइड्रोजन ये वन और एक हाइड्रोजन देखो ये वन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से आपका नाम देखो दिस इज ये आपका घिर गया ठीक है आपके लिए नाम देखो दिस कायदे से ये देखो अब वो गोला बना करके ऐसे नहीं बनाया मैंने ये पहले ऐसे बनाऊं और फिर ऐसे बनाऊं ये आपका देखो ना दिस ऐसे करो सबके साथ तो थोड़ा ये ऐसे बना दिया ऐसे अब गोला बना करके भी इसको बना सकते हैं ठीक हो गया तो यानी कि कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट बन गया कार्बन का ऑक्टेट बन गया इस हाइड्रोजन का जो आपका देखो वेस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन था इन द लास्ट आउटर मोस्ट एक कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा शेयर करेगा तो आपका H2 हो गया ये हाइड्रोजन करेगा तो H2 हो गया ये हाइड्रोजन भी लेगा इससे तो H2 हो गया यानी कि ये डुप्लेट आ गया और कार्बन भी आपका ऑक्टेट हो गया जब जिसको इसीलिए क्या हो गया नॉन मेटल्स के साथ हमेशा आपका ऑलवेज दे मेक्स अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टनरशिप करते हैं अपना एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब जिसको जरूरत होती है आपका ना इन देयर बैड डेज कह सकते हैं हम आपका नाम क्लियर सर अब आपका यहाँ मैंने सिंपल गोला बना करके नहीं बनाया यहाँ देखो अब आपका यहाँ अगर कार्बन ये देखो इसको बनाएंगे आपका नाम देखो दस दो यहाँ रख देता हूँ आपका नाम देखो दस दो यहाँ रख देता हूँ देखो दो यहाँ रख देता हूँ दो यहाँ रख देता हूँ ठीक हो गया अब हाइड्रोजन आपका देखो आइटम यहाँ गोला नहीं लगाया था मैंने आप समझ रहे थे ठीक है सर इसको आई जस्ट रिमूव फ्रॉम हियर ये देखो ये हाइड्रोजन है एटम है ठीक है सर मैं देखो दे एच ये हाइड्रोजन है सर ये हाइड्रोजन है सर क्लियर तो कार्बन इसका होता सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच तो अब आप बेसिकली देखेंगे अगर मैं मीथेन की बात करूंगा तो आपका देखो ना इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ
एल्केन ग्रुप। वैसे एल्केन ग्रुप क्या होता है आगे पढ़ोगे, अभी तो खाली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। इसका जो था आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने वहां पे लिखा हुआ CnH2n+H2, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है जो आपका CH फॉर्मूला, जिसको आपने मीथेन बनाया। इसी से आपका नाम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो H3C सिंगल बॉन्ड H। तो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल आपका ये ऐसे बन गया सर, क्लियर हो गया सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल, देखो दिस क्लियर है। तो नाउ दिस सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, तो मीथेन अब बेसिकली आपका नाम देखो दिस है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। तो इसका मतलब मीथेन इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मार्स गैस, तो मार्स गैस इज न क्या है, इट्स अनदर नेम इज आपका ना व्हाट, मीथेन। सुनो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इट इज यूज एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह काम किया जाता है। एंड नाउ अ मेजर कंपोनेंट अपना देखो ऑफ CNG, CNG क्या होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ये आ रहे हैं पीके से, कंप्रेस नेचुरल तो देखो जैसे सर, और यही आपका नाम एंड बायोगैस, जरा एंड बायोगैस इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट आपका नाम जैसे सर कंपाउंड्स। नाउ फॉर्म बाय कार्बन, डिटेल्स बात को ये तो आपका इसी में मैंने आपका इसको कर दिया, ठीक है ना। तो दिस वाज द मीथेन बेस अपन इक्विवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अपन, क्योंकि कार्बन आई गया आपका।